अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टेक्निक, डेकोपोज टेक्निक लेके आई हूँ, जिससे मैं एक ओल्ड मशीन को रिफर्बिश करूँगी। आजकल लोग इसको ट्राई कर रहे हैं नैपकिन और मॉड पॉज ग्लू और डिफरेंट स्टफ के साथ प्रोफेशनली, बट मैं बिगनर्स के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट यू नीड टू लर्न इट, फिर आप इसको ट्राई करें और थोड़ा इस पर स्पेंड करें। इस तरह की मशीन मैं क्रिएट करूँगी बट विद अवेलेबल स्टफ। तो हमें क्या चाहिए, आपको रैपिंग पेपर्स चाहिए और इस तरह के बहुत सारे पेपर्स में से आप चूज कर लें। प्रेफरेबली ऐसा पैटर्न चाहिए जिसमें बड़े फ्लावर्स हों, जिसके हम कटआउट्स ले सकें। तो मैंने ये चूज किया और इस तरह के कटआउट्स इसमें से मैंने निकाल लिए। देन आप, मैंने आम स्कूल ग्लू ली है, वैसे मॉड पॉज यूज होती है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। ब्रश एप्लीकेशन के लिए सीजर्स फॉर कटिंग, बेस मैंने वाइट रखी है, इट्स अप टू यू। आप बेस जो कलर बनाना चाहें वो स्प्रे पेंट ले लें। देन टॉप कोट के लिए, शाइन के लिए लेकर एंड ट्रांसपेरेंट स्प्रे है, हार्डवेयर शॉप पे आपको मिल जाएगा। और एक्रेलिक कलर्स, अगर आप बेस वाइट रखना चाहते हैं तो आपको कलर्स की ज़रूरत नहीं है, बट मैं शीट के अंदर मौजूद कलर्स के साथ उस बेस को थोड़ा सा मैच करूँगी, तो मुझे एक्रेलिक पेंट्स चाहिए। फोन के साथ टैपिंग करके इसको मैच करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है वो मशीन जिसको मैं रिफर्बिश करने जा रही हूँ। इसको मैंने सैंड पेपर करके बिल्कुल रफ कर लिया, फिर मैंने स्क्रूज खोल के जितने मैक्सिमम पार्ट्स मैं हटा सकती थी वो मैंने हटा लिए, जिनको मैं स्प्रे नहीं करना चाहती। मास्किंग टेप के साथ मैंने इसको कवर किया जहां मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं, इसके बाद होल्स को मैंने कॉटन से बंद कर दिया ताकि अंदर स्प्रे ना जाए और ये क्लॉग ना हो। इस तरीके से इसको मैंने सिक्योर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू स्प्रे पेंट इट। मैंने ओपन एरिया में इसको रखा है क्योंकि इट्स सेफ कि आप इनहेल ना करें। अब इसको मैंने स्प्रे करना स्टार्ट किया। आप देखें, मैंने क्लिंग रैप के साथ इसके व्हील को भी कवर कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू पेंट इट, उसको सिल्वर ही रखना चाह रही हूँ। तो ज़रा डिस्टेंस से आपने इसको स्प्रे करना है। इवन कोट आए, मैंने दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेना। टेप में हटाऊंगी जहां पे आपको फील होता है कि यहाँ स्प्रे रह गया, आप ब्रश के साथ बाद में टचिंग कर सकते हैं। मैं ये टेप खोल रही हूँ। आप चाहें अगर इसकी बेस वाइट रखना है आपको तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको जब कलर करेंगे देन अगेन यू नीड टू, या आप जब उसको टॉप कोट करेंगे तो आपको ये टेप लगाना पड़ेगी। तो इट्स योर चॉइस, आप इसको अभी खोलें या बाद में। अब इसके बाद हटा के आपने देखे इस तरीके से ये शीट में, जैसे मैंने आपको बताया मैंने बहुत सारे कटआउट्स ले लिए थे, अब जस्ट मैंने इनको अरेंज करना है। कोई रूल नहीं है, यू जस्ट हैव देम, उनको रखते जाएं और आपको समझ आ जाएगी कि कहीं पे आपको बिग पैटर्न चाहिए, कहीं पे आपको छोटा। पेस्टिंग स्टार्ट करें स्कूल ग्लू के साथ, वाइट जर्मन वाइट ग्लू, उसके साथ मैंने इसकी पेस्टिंग स्टार्ट की। मैं बेस पे भी ग्लू लगा रही हूँ और एक टॉप कोट भी कर रही हूँ क्योंकि इससे ग्लेज आती है और ये ज़्यादा सिक्योर भी हो जाएगा। सो आई एम डूइंग इट दिस वे। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पेस्ट करते जाएं, आपको खुद समझ आएगी कहाँ कौन सा पैटर्न फिटिंग होगा। देखिए इस तरीके से, अच्छी तरीके से आप ग्लू का कोट करेंगे ताकि, क्योंकि ये पेपर है, नैपकिन्स जो बेसिक टेक्निक है नैपकिन्स के साथ, दे आर वेरी थिन, तो वो तो बहुत अच्छा स्टिक करते हैं, बट रैपिंग शीट का ये फायदा है कि इसमें रिंकल्स नहीं आते। सो आई फील मोर कंफर्टेबल, और बिगनर्स के लिए तो ये इतनी ईजी चीज़ है। आप इसके साथ ट्राई करें, स्टार्ट में आप ना स्पेंड करें इतना ज़्यादा, बिकॉज मॉड पॉज एंड नैपकिन्स दे आर अवेलेबल ऑनलाइन और कुछ स्टोर्स पे भी हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव।
ये देखिए इस तरह से, दिस इज ऑलमोस्ट फ्रंट पार्ट इज रेडी। बैक पार्ट पे भी मैं इसी तरीके से फ्लावर्स को पेस्ट कर रही हूँ। ये इतनी खूबसूरत चीज बनेगी, एवरीबडी वुड लव इट, और जरूर लोग आपसे पूछेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। एक पुरानी मशीन थी और ब्लैक कलर वैसे भी हॉन्ट करता है, तो बच्चे बहुत शौक से इस पर काम करेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग और खूबसूरत चीज़ें आपके इर्द गिर्द हों तो यू फील गुड, अच्छा फ्रेश फील करते हैं। और अगर आपने खुद बनाई भी हो तो आपकी एक स्पेशल अटैचमेंट होती है अपनी चीज़ों के साथ। जी फ्रेंड्स, अब मैंने इसको थोड़ा सा शीट के अंदर, फ्लावर्स के अंदर कलर्स के साथ मैच करना है। मैंने वो सब कलर्स ले लिए, फोम के साथ मैं डैबिंग करूँगी हल्के हाथ से। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मैच हो जाए बेस विद द फ्लावर्स। सी, डू इट दिस वे। आप इसको वाइट भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इट्स डन। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें, अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए। ओपन एयर में रख के आप इसको टॉप कोट करेंगे। नॉर्मली मॉड पॉज प्रोजेक्ट्स को आप किया जाता है वॉर्निश, लेकिन मैं इसको लेकर स्प्रे कर रही हूँ। देखिए शाइन, बहुत अच्छी शाइन, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैंने नीचे के बॉक्स को भी इसी तरीके से पेंट किया। सी, मैंने हैंडल पे छोटा फ्लावर फिटिंग किया एंड इट्स डन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, आप बहुत इंजॉय करेंगे, डू इट। इसके अलावा आप इसको लैम्प शेड्स पे, बॉटल कैप्स पे कर सकते हैं ट्राई, बहुत इंटरेस्टिंग। जी फ्रेंड्स, ये है इसकी फाइनल लुक। देखें कितनी खूबसूरत चीज़ बनी है ये। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करें, बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी टेक्निक्स के साथ मैंने बनाया है। एंड डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।